देवास जिले के सोनकच थाना क्षेत्र के तलोद के समीप जामगोद के जंगल में गुरुवार को पेड़ पर लटके मिले शव के मामले तथा भौंरासा थाना क्षेत्र में एक विवाद के मामले सहित अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार के विरोध में समाजजनों ने शुक्रवार दोपहर देवास में एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। शिकायत सुनने के लिए एसपी मंजीत सिंह चावला आए तो लोग पुलिस अधीक्षक को बाहर बुलाने पर अड़ गए। परिसर में बैठकर नारेबाजी भी की गई। बाद में पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और शिकायतें सुनकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने। गुरुवार को सोनकच तहसील के गांव जामनोद में जंगल में एक पेड़ पर लटकी हुई एक युवक की लाश मिली थी। यह युवक चौबारा धीरा का रहने वाला था, तो करीब 7 दिनों से लापता था। इस युवक की पहचान दीपक मालवी के रूप में हुई थी। इस मामले में हत्या कर शव को एसिड से जलाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। एसपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं भौंरासा के एक मामले में पुलिस द्वारा दलित समाज को टारगेट करने का आरोप लगाकर जाँच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि पेड़ पर लटकी लाश के मामले में युवक की हत्या की गई है और उस पर एसिड फेंका गया है, जिसको लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग के लिए पहुंचे हैं और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करते हैं। वहीं मामले में एसपी संपत उपाध्याय का कहना है कि लाश कई दिन पुरानी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वह गर्मी के कारण जल गई है, प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत रहा है। इंदौर में शव का पीएम करवाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट से स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, जो भी स्थिति रहेगी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कल जंगल के अंदर यहाँ भौंरासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारे समाज के युवा नौजवान दीपक जी मालवी की लाश को जो है पेड़ से टंगी हुई मिली हुई है और कहीं ना कहीं उस पर एसिड से उसका चेहरा जलाया गया है। ऐसी जघन्य और निर्मम हत्या की गई है दीपक मालवी की। इस बात को लेकर समाज में बहुत आक्रोश है, बहुत ही नाराजगी है शासन प्रशासन के प्रति। इसलिए आज मुझे स्वयं यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा, क्योंकि ऐसे मामले लगातार पिछले कई दिनों से ऐसे होते आ रहे हैं अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार वाले, और आज तो अत्याचार की जो है सीमा पार कर दी गई है। हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसको पेड़ से टांग दिया गया है, उसके ऊपर एसिड डाला गया है, चेहरा जला दिया गया कि जिससे चेहरा पहचानने में ना आए। तेंदू पत्ता बिनने गई महिलाओं ने लाश को देखा, पुलिस को सूचना करी। पुलिस 8 दिन से गुमशुदा व्यक्ति की तलाश नहीं कर रही थी। यह गुमशुदा व्यक्ति की लाश को जो है तेंदू पत्ता बिनने वाली महिलाओं ने, मजदूर महिलाओं ने देखा और पुलिस को सूचना करी है। अभी इस वक्त इंदौर में MBI में वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसी गठित की जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर समस्त अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ पर उपस्थित हुआ था। भलाई समाज, वाल्मीकि समाज, रविदास समाज, बागरी समाज सहित अन्य समुचित जातियाँ, अनुसूचित जातियों यहाँ पर उपस्थित हुई थी और न्याय की मांग करी थी। साथ ही हमने पिछले 2-3 महीने में आक्रोध वाली घटना जहाँ पर अनुसूचित जाति के दूल्हे को चढ़ने घोड़ी चढ़ने में मारा गया, पीटा गया, बारात पर हमला किया गया। जमुई की घटना जहाँ पर अनुसूचित जाति की बारात पर हमला किया गया, उन्हें भी मारा पीटा गया, दूल्हे के साथ भी मारपीट की गई। साथ ही अभी 3 दिन पहले सोनकच में जानलेवा हमला वाल्मीकि समाज के लोगों पर किया गया, उसका भी विवरण दिया। साथ ही अभी भौंरासा थाना के अंतर्गत हितेश पाटिल के द्वारा झूठा प्रकरण हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति जो कैमरे में कैद है, गरोड़ थाने में जो है ड्यूटी पर है, और उसके ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया, जबकि उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, क्रॉस FIR की गई। क्रॉस FIR का तात्पर्य यह है कि ये ENKN प्रकरण कैसे भी राजीनामा कर ले, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ जानवरों जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनके साथ में गलत काम हो रहा है, गलत अत्याचार हो रहा है, तो इसके खिलाफ आज समस्त अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ पर निवेदन आवेदन करने आए। मुलाकात हुई है, क्या आपने मांग की SP से और उनका क्या आश्वासन है? उन्होंने बोला है PM रिपोर्ट के अंतर्गत यदि अगर आता है हत्या, तो हत्या की जांच करके जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और यदि आत्महत्या भी होती है तो भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दोनों ही तरह के आश्वासन दिए हैं। और रविंद्र बड़ोदिया के खिलाफ जो झूठा प्रकरण भौंरासा थाने में दर्ज हुआ है, उसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। जांच में यदि वह निर्दोष पाया जाता है, क्योंकि कैमरे की क्लिपें इनके पास ही है, कैमरे में वो यहाँ पर इस समय आवेदन हो रहा है, जिस समय वहाँ पर झूठी FIR हो रही है, तो उसमें भी ये FIR का खात्मा किया जाएगा, उसकी खारिजी काटी जाएगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। आपका नाम बोलो। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। ठीक, धन्यवाद। एक ग्रुप आया था जिन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में उनके 2 विषय थे। एक भौंरासा थाना क्षेत्र में 323 मारपीट की कायमी हुई है, जिसमें उनका कहना था कि कायमी गलत है।
उसके संबंध में ऑलरेडी थाना प्रभारी और SDOP को निर्देश जारी किए जा चुके हैं पिछले 3-4 दिन पहले, जब ये फरियादी आए थे कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो। FIR करना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस को रहता है, करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति आके अगर संज्ञेय अपराध को बताता है तो दर्ज करती है पुलिस, लेकिन जांच के आधार पर जो भी तथ्य आते हैं उसमें खामा खाजी या चलान होता है। तो मामला एक था। दूसरा, एक डेड बॉडी मिली थी, दीपकर के व्यक्ति थे जो गुमशुदा थे, तो वो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में थी, जिसका आज PM इंदौर में कराया गया है, जिसमें अभी जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएगी। कोई भी बॉडी अगर गर्मी का समय रहता है और 5-6 दिन तक पड़ी रहती है तो कई बार विद्रूप रूप में उसका शक्ल हो जाता है। बॉडी हैंगिंग थी, इसमें संभवतः आत्महत्या ही लग रहा है। तो उसके संबंध में कई लोगों ने उसको प्रचारित प्रसारित किया था कि ये AC डाला गया है और ऐसा ऐसा किया गया है, तो वो रिपोर्ट अभी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रथम दृष्टि मामला आत्महत्या का लग रहा है, तो इसमें जो मर्ग जाँच होती है वो मर्ग जाँच की जाएगी, मर्ग जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे उसका न्याय कर दिया जाएगा। सर, दूसरा इनका एक एलिगेशन है कि लगातार जो है दलित समाज पर जिले के अलग अलग इलाकों में जो अत्याचार हो रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी, तो इस पर क्या कुछ आपका आपने आश्वासन दिया? जिला की आबादी 10 लाख से ऊपर है और इसमें सालाना लगभग 10,000 से अधिक के अपराध होते हैं। इसमें जो अपराध होते हैं हर जाति समुदाय धर्म के विरुद्ध होते हैं, कोई एक ही जाति समुदाय धर्म के विरुद्ध ये अपराध नहीं होते हैं। उसको अगर कहीं से कोई पिक कर लेता है कि इस जाति के खिलाफ इतने अपराध हुए, उस जाति के खिलाफ इतने अपराध हुए, तो ये गलत है, आंकड़ों के साथ बाजीगरी टाइप की बात हुई है। जो थाना क्षेत्र में घटनाएं लोग बता रहे हैं, सभी घटनाओं में पुलिस ने सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। जहां भी किसी जात धर्म समुदाय या किसी के विरुद्ध भी कोई आपराधिक कृत्य मिलता है तो उसमें भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी पुलिस, जो भी सही रहेगा। इस संबंध में भी लोग आश्वासन। सर, ये दलित युवक की जो देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।